नमस्कार, मैं सुबोध पांडे हिंदी एजुकेशनल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के महान कहानीकार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ममता कहानी को लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस कहानी को मैंने दो भागों में बांटा है। पार्ट वन में मैं केवल ममता कहानी का सार या सारांश को प्रस्तुत करना चाहता हूं, जबकि दूसरे भाग में मैं इस कहानी का उद्देश्य या संदेश तथा शीर्षक या नामकरण की सार्थकता को प्रस्तुत करना चाहता हूं। जयशंकर प्रसाद जी का सामान्य साहित्यिक परिचय संदेह कहानी पर वीडियो बनाते वक्त मैं दे चुका हूं। अतः विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि वे उनका सामान्य साहित्यिक परिचय वहीं से प्राप्त कर लें। यही नहीं, यदि आप जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अन्य रचनाओं पर वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका मैंने लिंक दे दिया है, आप अपनी सुविधा के अनुसार उसे देख सकते हैं। तो आइए अब मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के महान कहानीकार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ममता कहानी का सार या सारांश या कथा वस्तु को प्रस्तुत करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। ममता आधुनिक हिंदी साहित्य के महान कथाकार जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ एवं एक बहुचर्चित कहानी है। यह एक ऐतिहासिक कहानी है। यह कहानी प्रसाद जी की सुप्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने जहां एक ओर मुगल कालीन परिवेश को बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है, वहीं दूसरी ओर भारतीय सभ्यता संस्कृति के महत्व को बतलाते हुए एक आदर्श भारतीय नारी चरित्र को भी बड़े सुंदर ढंग से उजागर किया है। इस कहानी में मुगल काल में रोहतास दुर्ग पर शेर शाह द्वारा आक्रमण की घटना को बड़े सुंदर ढंग से दिखलाया गया है। चूड़ामणि रोहतास दुर्ग के राजा के मंत्री थे। ममता उनकी एकमात्र पुत्री थी। ममता विधवा थी। यह सच है कि एक मंत्री की पुत्री होने के कारण ममता के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। ऊपर से तो वह बहुत ही सुखी दिखलाई देती थी, परंतु वह बहुत ही दुखी थी। एक विधवा होने के कारण ममता के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं था, कारण वह एक विधवा स्त्री थी। हमारे हिंदू समाज में विधवा स्त्री को समाज का सबसे तुच्छ और निराश्रय प्राणी माना जाता है। फिर उसके दुखों का अंत कहाँ? उसके मन में एक तरह की वेदना थी, दर्द था। मस्तिष्क में सदा एक तरह की आंधी या हलचल चलते रहती थी। उसकी आंखों में हमेशा आंसुओं की धारा बहते रहती थी। ममता को लेकर चूड़ामणि जी, जो रोहतास दुर्ग के राजा के मंत्री थे, बहुत अधिक चिंतित रहते थे। वे हमेशा यही सोचते थे कि बेटी के लिए ऐसा क्या करें ताकि उनकी बेटी सदैव सुखी रहे, उनकी बेटी सदा खुश रहे, परंतु ऐसा हो नहीं पा रहा था। दूसरी ओर शेरशाह रोहतास के किले पर आक्रमण करना चाहता था, जिससे वे बहुत ही परेशान और डरे हुए थे। रोहतास दुर्ग पर शेरशाह का कहीं अधिकार न हो जाए, इसी भय से उन्होंने अपनी पुत्री के भविष्य सुरक्षा के लिए उससे
बहुत सा सोना भेंट के रूप में ले लिया और किले में प्रवेश करने की आज्ञा दे डाली। चूड़ामणि को यह भी आशंका थी कि वे संभवतः इस किले की रक्षा नहीं कर पाएंगे और जब वे इस किले की रक्षा ही नहीं कर पाएंगे तो वे इस यानी रोहतास के मंत्री भी नहीं रहेंगे, अर्थात उनका मंत्री पद भी चला जाएगा। यही सब सोचकर उन्होंने शेर शाह से रिश्वत के तौर पर कुछ सोना लेना स्वीकार कर लिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि विधवा पुत्री ममता का भविष्य सुखमय बने। चूड़ामणि ममता के भविष्य की सुरक्षा व सुखी जीवन के लिए शेर शाह से सोने से भरे हुए चांदी के 10 थाल लेकर ममता के सामने यह सोचकर उपस्थित हुए कि ममता सोने से भरे हुए चांदी के 10 थालों को देखकर संभवतः बहुत प्रसन्न होगी, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उन्होंने बहुत समझाने का प्रयत्न किया कि अब इस किले पर किसी भी दिन शेर शाह का अधिकार हो जाएगा। किले का पतन होने के बाद यह सोना उसके जीवन यापन के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा, परंतु ममता एक स्वाभिमानिनी स्त्री थी। ममता पिता की बातों में बिल्कुल नहीं आई। ममता को अपने पिता चूड़ामणि के द्वारा ऐसा कार्य करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे यह शक था कि उसके पिता ने शेर शाह से रिश्वत लेकर किला में प्रवेश करने का समझौता कर लिया है। ममता ने यह कहकर पिता की भेंट को अस्वीकार कर दिया कि ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाना संभव नहीं है, ममता के लिए ऐसा करना बिल्कुल असंभव है। ममता ने यह भी कहा कि वह एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण 2 मुट्ठी अन्न मांगकर भी अपना जीवन यापन कर सकता है, अतः ममता ने इस भेंट को अस्वीकार कर दिया और ब्राह्मण की पुत्री होने के कारण भीख मांगकर जीना अधिक उचित समझा। यह सब देखकर तथा सुनकर चूड़ामणि बहुत दुखी हुए और मूर्ख लड़की कहकर बाहर चले गए। अगले दिन शेर शाह के सैनिक स्त्रियों के छद्म वेश में पर्दों से ढकी डोलियों में बैठकर किले के भीतर प्रवेश करने लगे, परंतु उनका विरोध करने पर मंत्री चूड़ामणि वहीं मारे गए। राजा रानी और सब छली शेर शाह के हाथ पड़े। शेर शाह का किले पर अधिकार हो गया, किंतु ममता वहां से भागने में सफल हो गई। ममता काशी के उत्तर सारनाथ में धर्मचक्र विहार के पास एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी, जहां कभी मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। एक दिन की बात है, एक दिन उसने रात के समय अचानक झोपड़ी के दरवाजे पर एक भीषण आकृति वाले थके हारे व्यक्ति को देखा तो दरवाजा बंद करना चाहा, किंतु उस व्यक्ति ने उसे बतलाया कि वह चौसा के युद्ध में शेर शाह से हार कर भाग कर आया है। वह एक मुगल है और आश्रय चाहता है। अब वह चलने में पूरी तरह असमर्थ है। वह भूखा तथा प्यासा भी है। वह बिल्कुल अकेला है। उसके साथी उससे बिछुड़ गए हैं। यह सब सुनने के बाद ममता ने पहले तो उसे विधर्मी और क्रूर सैनिक समझकर इनकार कर दिया, किंतु उसके पुनः याचना करने पर अतिथि का स्वागत करना अपना कर्तव्य समझकर उसे झोपड़ी में आश्रय दे दिया और स्वयं पास के टूटे खंडहरों में चली गई। अगले दिन वहां बहुत से अन्य घुड़सवार सैनिकों को आते हुए देखकर ममता डर गई और मृगदाव यानी जंगल में छिप गई।
रात के समय आश्रय मांगने वाला व्यक्ति वास्तव में हुमायूं था। ममता ने रात के समय एक थके हारे व्यक्ति को आश्रय दिया था। विपत्ति में उस स्त्री ने उसकी बहुत सहायता की थी, इसीलिए हुमायूं पुरस्कार के रूप में कुछ देना चाहता था। इसलिए उसने अपने एक अधिकारी से ममता का घर बनवा देने के लिए कहा, अर्थात हुमायूं ममता के लिए उसकी झोपड़ी के स्थान पर एक अच्छा घर बनवाना चाहता था, किंतु वे लोग उसे ढूंढ नहीं सके। कारण ममता डर गई थी, इसलिए वह जंगल में छिप गई थी। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। शेरशाह से हार कर हुमायूं अनेक वर्षों तक भारत के बाहर रहा। ममता अब 70 वर्ष की एक वृद्धा हो गई थी। वह बीमार थी, उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। आजीवन दूसरों की सेवा करने के कारण ममता की सेवा करने के लिए आसपास गांव में रहने वाली 2-3 स्त्रियां ममता को घेर कर बैठी हुई थी। हुमायूं के पुत्र अकबर ने बादशाह बनने के बाद अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए एक दिन उसने एक अधिकारी को ममता को ढूंढने के लिए भेजा। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा और वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया था वह तो इसी जगह का होना चाहिए। पता नहीं वह बुढ़िया जीवित है भी या नहीं। अब मैं किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे, यानी वे कहां विश्राम किए थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। ममता ने इसे अपने कानों से सुना। ममता ने पास की स्त्री से कहा, जाओ उसे बुलाओ। कुछ देर के बाद अश्वारोही पास आया। ममता ने कहा कि मैं नहीं जानती थी कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे उसने विश्राम किया था। मैंने सुना था कि वह जाने से पहले मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे गया था। आज भगवान ने सुन ली। मैं आज इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर जा रही हूँ। अब तुम इसका मकान बनवाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए, अर्थात उस अधिकारी के सामने ही उसकी मृत्यु हो गई। अकबर ने अपने पिता हुमायूं की स्मृति में वहां एक सुंदर मंदिर बनवाया और उस पर एक शिलालेख लगवाया जिसमें कि हुमायूं के वहां विश्राम लेने की चर्चा थी, किंतु ममता का कोई नाम निशान नहीं था। यह कहानी यही समाप्त हो जाती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों को भी इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एडुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही बनाया है। अतएव लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर व छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।